अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत बच्ची का जो है मेकओवर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कंसीलर अप्लाई किया है, फुल लाइट सा कंसीलर आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको। उसके बाद हम आईब्रो को फिल करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के ज़्यादा आईब्रो को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल लाइट लाइट सा मैं इसके आईब्रो को फिल कर रही हूँ खाली ब्रश के साथ, जो भी इसके अंदर कलर ऐड है। अब हम दूसरी आईब्रो को करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ब्लू कलर को उठाया है और अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ब्रश के साथ। कलर को हमेशा थोड़ा ही लें ताकि अच्छे से अप्लाई कर सकें। अगर कलर कम भी हो तो उसको दोबारा ले लिया जा सकता है। अब हम दूसरे इस पे कर रहे हैं सेम क्वांटिटी के साथ। अब हम जो है फिंगर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। आप चाहे तो ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे, चाहे तो फिंगर के साथ, जैसे आपको इजी लगे। अब हम लोगों ने चॉकलेट ब्राउन कलर को पिक किया। पिक करने के बाद हम इसकी टैप बना रहे हैं। करने के बाद जो है हमने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। और अब हमने उसी कलर को उठाया और आउटर कॉन्ट्रास्ट पे जो है इसके अच्छे से ब्लेंडिंग की है। हमने आईज मेकअप को थोड़ा सा फाइन किया है। फाइन करने के बाद हम अब लगाएंगे बेस। बेस जो है हमने बहुत हल्की हल्की से लेनी है। पहले फुल फेस पे अप्लाई करें, हल्का हल्का सा टैप करें। टैप करने के बाद जो है इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, तब तक आपकी बेस अच्छी नहीं होगी। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी बेस ले लें,
ज़्यादा भी रगड़ना नहीं है इसको, बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से आपने बेस को जो है हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है, और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हमारी बेस हो गई है डन। अब हमने इस पे कॉम्पैक्ट को अप्लाई करना है। तो ऑलमोस्ट बेस हमारी डन है। अब हम करेंगे लाइनर को अप्लाई, क्योंकि हमारा आईज मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से अभी भी अनकंप्लीट है। अब हम अच्छे से आईलाइनर को अप्लाई करेंगे। लाइनर को अप्लाई करने के बाद दूसरी आँख पे अप्लाई करेंगे। आपको मेरा कैमरा जो है हिलता हुआ झुलती हुई हिलती जुलती हुई वीडियो नज़र आ रही होगी, क्योंकि एक हाथ से मैंने जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। और अब हम दूसरे आँख पे भी आईलाइनर को अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा आईलाइनर लगाया मैंने। यहाँ होता है हमारा आईलाइनर कंप्लीट। अब हम आईब्रो को थोड़ा सा ब्रश कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं इनर कॉर्नर पे, आईज के इनर कॉर्नर पे। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद हम अब आईब्रो की वो हाईलाइट कर रहे हैं। आईब्रो हाइलाइटर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हम दूसरी आईब्रो को हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करने के बाद अब हमने एक ग्रीनिश सा कलर पिक किया और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ब्लू शेड के साथ, ताकि आईज लुक जो है उठी उठी नज़र आए। अब हम इसकी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब हम नीचे भी यही शेड अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आँख अट्रैक्टिव नज़र आए, बहुत खूबसूरत नज़र आए। अब हमने दूसरे आईज के नीचे भी ऐसे ही सेम ऐसे ही अप्लाई किया है। अब हमने जो है येलो शेड को पिक किया, ताकि इस कलर को हम
और भी इन्हेंस कर सकें। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अप्लाई करने के बाद आप हम ब्लश ऑन को अप्लाई कर रहे हैं। हमारा आईज मेकअप कंप्लीट हो गया। अब हमने ब्लश ऑन को अप्लाई किया है। अब हम दूसरे चिक्स पे ब्लश ऑन को अप्लाई कर रहे हैं। ब्लश ऑन को भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगला स्टेप हमारा हाइलाइटर का है। पहले हम इसको टैप टैप करेंगे और फिर इसको अच्छे से फिंगर के साथ ब्लेंड करेंगे। कितना खूबसूरत नोज इसका लग रहा है। बहुत खूबसूरत नाक, शार्प सी नज़र आ रही है इसकी नाक। बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। और दूसरे चिक्स पे भी सेम एज इट इज़ करेंगे। ये लीजिए, दूसरे की भी अच्छे से ब्लेंडिंग, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग की है। कोई हाइलाइटर उठा के दोबारा से हम इसकी अपर लिप्स पे लगाएंगे और चिन पे लगाएंगे। इसकी भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। अपर लिप्स का एरिया भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब जो है हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसकी आउटर लाइन बनाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी आउटर लाइन ही अच्छी नहीं होगी तो लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी। आउटर लाइन जो है इधर उधर नहीं खींचनी, लिप्स की बहुत अच्छी से आउट लाइन देने के बाद आपने इसके अंदर अच्छी सी फिलिंग करनी है। हम अब फिलिंग करेंगे और ये लीजिए फिलिंग हो चुकी। और कितने खूबसूरत इसके होंठ नज़र आ रहे हैं, जो हमने हाईलाइट किया था लिप्स के ऊपर। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है इसका नोज़, इसके अपर लिप्स, इसकी लिपस्टिक, इसका आईज मेकअप, ओवरऑल फेस बहुत खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो लुक है, मैंने इसका हेयर स्टाइल नहीं बनाया था, सो वरना फिर वीडियो लंबी हो जाती। तो मैंने इसके छोटे छोटे इसने बाल कटिंग किए हुए खुद से ही, वो मैंने इसके बालों को आगे किया। तो ये है इसकी खूबसूरत प्रिटी सी लुक, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। पहले इसका मूड बहुत ऑफ था, लेकिन अब इस ये बहुत खुश है। इसने जब अपने आप को देखा कि ये बहुत प्यारी लग रही है तो ये बहुत खुश है। तो माशाल्लाह से ये बच्ची आप लोग को कैसी लगी और मेरी मेहनत कैसा लगा ये फाइनल लुक। आई होप सो कि आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग योर वीडियो। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाई है, बहुत ही मेहनत के साथ बनाई है। बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये मैंने बच्चे पे इस वजह से सारा कुछ अप्लाई की, क्योंकि मैं किसी बड़े फेस को अब नहीं लेके आ सकती थी इस वजह से। थैंक यू सो मच।